नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, आज सुबह ही मैंने एक उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के संबंध में एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, जिसपे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ASI और SI के पदों पर भर्तियां निकलने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा और ASI की जो भर्ती निकलने वाली है उसके अलावा 7400 पदों पर दोस्तों ये टोटल भर्ती होने वाली है और 6000 पदों पर दरोगा और ASI की भर्ती होगी और बाकी पदों पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भर्ती होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि दोस्तों, जो सुबह मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में SI और ASI की भर्ती आने वाली है, तो वो भर्ती तो है ही, उसके साथ में दोस्तों 1400 पदों पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भर्ती भी होगी। तो पूरी खबर क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, जो सुबह मैंने वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपके लिए ये वाला जो नोटिस आप देख रहे हैं, इसको मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया था। इसका लिंक भी उस वीडियो में दिया हुआ है, आप उस नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो लिंक है, जो मैंने सुबह अपलोड की थी, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस में 6000 दरोगा समेत 7400 भर्तियां होंगी जल्दी। ठीक है, तो अगले हफ्ते तक दोस्तों जो है वो आवेदन मांगे जाने स्टार्ट हो सकते हैं, विज्ञापन जल्द। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हिंदुस्तान का पेपर है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पुलिस भर्ती बोर्ड अगले हफ्ते जारी कर सकता है विज्ञापन, मौजूदा सरकार में 1,37,000 पदों पर हो चुकी है भर्ती। तो यहाँ पर पूरी खबर क्या है दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग 7400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या लगभग 6000 होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इन पदों के लिए अगले हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 6000 दरोगा और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जो 7400 पदों पर भर्ती होने वाली है, इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी ही शुरू होगी। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के दोस्तों 6000 पद होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इन पदों के लिए अगले हफ्ते से विज्ञापन जारी कर सकता है। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इन पदों पर भर्ती के लिए अगले हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है। ठीक है, तो प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पुलिस में अप्रैल 2017 से लेकर अब तक 1,37,253 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जा चुकी है। भर्ती बोर्ड ने इस बार सब इंस्पेक्टर के 6000 पदों के लिए स्टेनो व अकाउंटेंट समेत मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 1400 पदों पर भर्ती की तैयारी की गई है। तो दोस्तों, यहां पर जो 6000 सब इंस्पेक्टर के पद होंगे, उसके बाद में मिनिस्ट्रियल स्टाफ में दोस्तों आपके स्टेनो और अकाउंटेंट के पद भी 1400 पद शामिल होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों सिपाहियों के 49,568 पदों पर भर्ती हुए नौजवानों की फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है। सिपाहियों के इन पदों पर भर्ती की परीक्षा का परिणाम मार्च 2020 में घोषित किया गया था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 7400 पदों पर भर्ती आने वाली है और जिसमें 6000 पद होंगे दरोगा के और 1400 पद होंगे स्टेनोबा अकाउंटेंट के, जिनको हम बोलते हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ। तो दोस्तों, इस भर्ती से पल पल की खबर पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों क्या होगा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट अपलोड की जाएगी, मैं आपके लिए सबसे पहले अपने चैनल पर वो अपडेट दे दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ये जो नोटिस है, इसको मैंने आज सुबह ही पढ़ के बताया था आपके लिए, पूरा नोटिस समझाने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश में भर्ती निकल सकती है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों इस नोटिस का जो है पूरी डिटेल में आपके लिए बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपने फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।